तो गाइस आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ चार ऐसी जगहें जो कि गूगल की रेटिंग के हिसाब से इंडिया की बेस्ट राजमा चावल पाव भाजी बटर चिकन और कॉफी बेचती है। ये चारों एक ही जगह पे मरना है क्या के? नहीं, चार जगहें बोला तो चार जगहें। गाइस आप इसकी बकवास में समय ना गुजारें और चलो आज इन बेस्ट रेटेड रिव्यूज की चड्डी उतारे आओ। गाइस मुझे नहीं पता था कि मेरे घर पे मिलने वाले राजमा चावल को लोग घर से ज्यादा कनॉट प्लेस के जैन राजमा चावल पर आकर खा रहे हैं। आप मानोगे भाई 23,000 लोगों ने इसको 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे रखी है गूगल पर, मतलब इतना पसंद है लोगों को इसका टेस्ट। भाई जगह नहीं है, टेस्ट कुछ गजब ही निकलने वाला है यार। एक चीज की मैं तारीफ करना चाहूंगा कि भाई ये राजमा चावल मुझे 2 मिनट के अंदर अंदर मिल गया, मतलब मैंने पैसे पकड़ाए, मुझे पर्ची इमीडिएटली मिल गई और इमीडिएटली राजमा चावल तैयार थे जो मैंने खा लिए। लेकिन लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं, व्हाई दे लाइक देयर राजमा चावल सो मच। तो भाई पहला बंदा कह रहा है कि आप ना 1 घंटा पहले जाना क्योंकि यहाँ पर इतना क्रेजी है लोग इनके राजमा चावल के बारे में कि भाई हद। दूसरा बंदा कह रहा है कि भाई मैं 6 साल से पिछले आ रहा हूँ और यहाँ का आलू पराठा अमरीश सुखदेव को बीट कर देता है। कैसा लगा मेरा मजाक? अबे चावल की दुकान पे आलू पराठा कौन खाता है यार, हट। ओ भाई अगले भाई साहब तो इसको 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड बोल रहे हैं। ये बोल रहा है कि दुनिया में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं और मेरे लिए जैन राजमा चावल 8वां वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। कुछ प्रतिशत जनता है जो कि इनके खिलाफ भी है, जैसे कि पहला बंदा बोल रहा है कि आई ईट राजमा चावल विच इज वेरी फेमस, व्हेन आई टेस्ट इट्स वेरी बैड, दिस इज नॉट वी ईट इन स्टार्टिंग फेमस डिश। मतलब ये कहना चाह रहा है कि बेकार है भैया। और अगले बंदे ने तो भाई गजब ही नुस्खा बताया है। आप दो बंदे जा रहे हो, हाँ ये हमने नहीं करा, आप दो बंदे जा रहे हो तो एक बंदा टेबल घेर लेना और एक बंदा राजमा चावल ऑर्डर करना। जनता का ओपिनियन जो है ना वो दोनों तरफ है, लेकिन प्लस में ज्यादा है, पॉजिटिव में ज्यादा है। मैं इसे टेस्ट करता हूँ। देखो भाई सबसे पहले जिसको आप शक्ल से देख सकते हो तो उसके ऊपर पापड़ ये लोग क्रश करके डालते हैं, साथ में प्याज डालते हैं, उसके बाद राजमा राइस होता है। तो आपके पास ऑप्शन नहीं होता कि आप अलग अलग ले सको, ये मिक्स करके ही देंगे, चाहे आपको पसंद हो चाहे ना पसंद हो। अब टेस्ट करते हैं, आ जाओ। राजमा चावल है ब्रो। कोई सेंसेस बात करते हैं। जैसा एक रिव्यू में लिखा हुआ था ना कि दिस इज जस्ट होम लाइक राजमा चावल एंड नथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट दिस। मेरे ख्याल से सिर्फ प्याज और पापड़ डाल दिए, इसकी वजह से थोड़ा सा डिफरेंट फ्लेवर आ रहा है, लेकिन टोटल घर वाला माल आपको 100 रुपए में चेपा जा रहा है दुकान पर बेस्ट रेटेड बोल के। इसकी रेटिंग मेरे से पूछी जाए ना तो मैं तो इसको दूंगा 2.5 स्टार। वालों को जिंदा पकड़ना है। तो भाई जैन के राजमा चावल मुझे तो सो लगे, लेकिन हम बढ़ते हैं अपनी अगली बेस्ट रेटेड लोकेशन पर। ठीक था, हाँ सही था। अबे शूट का तो ठीक है, लेकिन धूप और पोल्यूशन में घूम घूम के मेरे तो बाल झड़ने लग गए। अरे यार सर के अच्छा यार सेम समस्या पता है मेरी भी है, धूप मिट्टी पॉल्यूशन से ना ये फसल भी ना जाने कब तक टिकी रहेगी मुझे नहीं पता, इसीलिए मैंने कपीवा का ये तुलसी हेयर सीरम यूज करना शुरू कर दिया है। गाइज अगर आप बिना हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हो तो ये कपीवा का तुलसी हेयर सीरम आपके लिए एक परफेक्ट रेमेडी है। गाइज इस हेयर सीरम की बेस्ट बात है 5 क्लिनिकली प्रूवन प्लांट बेस्ड एक्टिव, माने तो तुलसी, जिंजर, जटामांसी, भृंगराज और मुलेठी, जिनके गाइज फायदे सुनकर ही आपका आधा हेयर फॉल तो वही रुक जाएगा। आपकी स्कैल्प का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना, आपके बालों का मजबूत हो जाना, आपके बालों का प्रॉपरली न्यूट्रिएंट्स को अब्सॉर्ब कर पाना, और इन सबसे क्या फायदा होगा, जो गया है वो लौट आएगा और जो है वो कहीं नहीं जाएगा। इस कपीवा के तुलसी हेयर सीरम की कुछ ड्रॉप्स आपको अपने स्कैल्प पर डेली अप्लाई करना है और कुछ मिनट तक इसको मसाज करना है। बस इसको आप हेयर ऑयल के साथ यूज ना करें और ऑयली स्कैल्प पर यूज ना करें। और पता है मिनोक्सिडिल जैसे केमिकल के मुकाबले आपको इस हेयर सीरम में 5 गुना ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि 100% नेचुरल है, प्लांट बेस्ड है और इसमें रेडनेस, इचिनेस या फिर इरिटेशन जैसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। और पता है गाइस यही एक रीजन था जिस वजह से मार्केट में इतने ऑप्शन होने के बावजूद मैंने कपीवा के इस तुलसी हेयर सीरम को अपने बालों के लिए चूज किया। लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है, बारी आपकी है, जाकर देखो। और देयर इज आल्सो एन अमेजिंग डिस्काउंट कूपन फॉर यू, आप चेकआउट करो जितने हम नेक्स्ट बेस्ट रेटेड लोकेशन चेकआउट करते हैं। आओ अमीरों की चाय की टपरी है, सच में बता रहा हूँ। चलो अब अंदर चलते हैं और जानते हैं कि जनता की इनकी कॉफी के बारे में क्या राय है। एक सेकंड एंट्री पास तो ले लो क्या? अच्छा चलो भाई, ऑनेस्टली बोलूं तो इनका स्टोर काफी साफ सुथरा है, काफी अपीलिंग है, काफी शांत, निशांत नहीं है उसको छोड़ के सब कुछ है। दुनिया में इनके 36,000 स्टोर हैं जिसमें ये 87,000 से ज्यादा ड्रिंक के कॉम्बिनेशंस बेचते हैं अलग अलग। जैसा चक्कर दिलाने वाला ये नंबर है ना, वैसे इनके चक्कर दिलाने वाले रिव्यूज हैं।
Ambience is very nice, quite spacious, has sitting for two floors, interiors are beautiful, obviously coffee was nice, she liked it, she liked the coffees. देखो ये चीज़ तो है, एक पॉजिटिव पॉइंट मेरे को अच्छा लगता है कि सिटिंग है, अच्छा इंटीरियर है, सुंदर, दूसरा फ्री वाईफाई है, तीसरी चीज के टोकते नहीं, आप एक कॉफी लेकर अगर घंटों घंटों तक भी बैठे हो ना यहाँ पर तो दे वोंट से यू निकल उड़े। सुपकिम कह रहा है टेबल अरेंजमेंट इज गुड, फ्लोर हाई इज हाई, द इंडियंस हेयर मस्ट बी रिच, वी वर एबल टू हैव गुड टाइम विद गुड सर्विस एंड टेस्ट ऑफ कॉफी, इट मेक्स मी फॉरगेट दैट दिस इज इंडिया। मतलब उसको इंडिया नहीं लग रहा है। हेटर्स का क्या कहना है वो पढ़ते हैं। गेट ग्रेट फूड बट रियली स्लो इंटरनेट कनेक्शन, आई वॉज नॉट एबल टू इंस्टॉल नेसेसरी प्रोग्राम्स फॉर माई प्रोग्रामिंग वर्क। सब बढ़िया है, कॉफी बढ़िया है, बस बहन GTA 5 डाउनलोड नहीं हो पाई। अगला बंदा कह रहा है कि देयर इज नो चेंज इन टेस्ट, नो स्पेशल इंग्रेडिएंट, कॉफी स्टिल, प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग। और ऐसे गाइस, ऐसे एक स्टार रिव्यूज बहुत सारे इनके भरे पड़े हैं, तो चलो हम भी अपने लिए कॉफी ऑर्डर करते हैं और फिर सच का सामना करते हैं। आ जाओ गाइस, हमारा ऑर्डर आ गया है और देखने में यार कितना सुंदर लग रहा है। सत्रह सौ का है भाई, अगर सुंदर नहीं होता ना तो मॉर्डर कर देता इनका। हाँ, लेकिन ये 1800 रुपए के प्राइस ने मेरा खून जला दिया, कसम से बता रहा हूँ। आप इमेजिन करो गाइस, तीन कॉफी, एक पेस्ट्री और एक छोटा सा रैप, और प्राइस मैंने जो पेड करा है 1800 रुपए, इट्स टू मच। लेकिन अगर टेस्ट अच्छा हुआ तो ये वाकई में बेस्ट रेटेड के काबिल है। अक्षय, इसका नाम क्या था? कैफे मोर्की ओ भाई, बड़ी ही थिक कॉफी लग रही है यार। भाई लिटरली कॉफी का टेस्ट ऐसा है कि इसने मेरे को ना रिफ्रेश कर दिया, साथ ही साथ मेरे सारे सेंसेस को एक साथ जगा दिया, और जो शुगर रश आ रहा है ना, आए हाय भाई, मजा आया यार। आज मेरे को फील हो रहा है कि पहली कॉफी किसी ने स्टारबक्स की पी थी 1971 में, और आज मैं पी रहा हूँ 2023 में। कोई सेंसेस बात कर। And I will give this a good 4.5 out of 5. The coffee is really good. और शायद मैं मंथ में एक बार इस पे पैसा खर्चना चाहूँ। दिल्ली की बेस्ट रेटेड कॉफी पीने के बाद मैं आ पहुंचा हूँ दिल्ली का बेस्ट रेटेड बटर चिकन ट्राई करने, जो कि मिलता है अपना असलम चिकन पर, जो भी है जामा मस्जिद में। 13,000 गूगल की रिव्यूज में 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग्स है मैक्सिमम असलम बटर चिकन। एक बार बताओ ये बटर चिकन है कहाँ? अभी बता दे भाई, अभी बता दे, अभी तूने कान में उंगली किया ना। Okay, मतलब बटर चिकन एक्चुअली में होता क्या है? चिकन के तंदूरी चिकन के पीसेस होते हैं, उसको टमाटर की ग्रेवी में डाला जाता है, बटर में मिक्स करा जाता है, और फिर बनता है बटर चिकन। लेकिन यहाँ पर तो बटर और चिकन बस यही दो इंग्रेडिएंट है, बाकी चीजों की लिस्ट शायद यहाँ पर अभी तक पहुंची नहीं है। अब इस बटर चिकन में कितना दम है हम ज्यादा नहीं बोलते, लोगों को बोलने देते हैं। फर्स्ट आई एक्सपीरियंस इट सेल्फ, व्हाई दिस प्लेस हैज सो मच हाइप फॉर इट्स टेस्ट। एक तो मेरे को ये समझ नहीं आता कौन डालता है ये, एडिटर चेक नहीं करते हो क्या तुम साले? वन ऑफ द मस्ट ट्राई प्लेसेस इन ओल्ड दिल्ली, दे हैव सॉल्वड द स्पेस कंस्ट्रेंट बाय ओपनिंग अप अनदर रेस्टोरेंट। इसी की बात कर रहे हैं, वी वेंट टू ओल्डर वन शॉर्टर डिस्टेंस अवे फ्रॉम द न्यू वन, बटर चिकन इज ट्रू इन लिटरल सेंस। मतलब इनको लगता है ये एक्चुअल टेस्टी, मतलब असली बटर चिकन है। अच्छा स्वप्निल जी क्या कह रहे हैं? I've been visiting this place for the last 2 years. The butter chicken is simply awesome and mouth watering. A must try dish here. वाह, इसको भी पसंद आया। अगला कह रहा है, I must say this is the most hyped place of entire old Delhi. Chicken was soft and lots of butter is used but lacks flavor. तारीफ कर रही है पर बोला है flavors नहीं है। गजब बेइज्जती है। दीदी इसे बेइज्जती कहते हैं, तारीफ नहीं कहते। Women. दूसरी राय भी है असलम के बटर चिकन के बारे में। Kindly confirm if this is the butter chicken. It is no, it is not. ये लिखा हुआ है बंदे ने कि ये बटर चिकन नहीं है। बटर चिकन एक और, utensils were not clean, fishy color, overhyped place. Food bloggers are nowadays concerned in making their own business by promoting them. ये तो धोती खोल रहा है। गलत बात है यार, ठीक है। और अब इस दो तरफा स्टोरी की क्या सच्चाई है हम भी टेस्ट करके पता लगाते हैं। आओ, क्लाइमेक्स अभी बाकी है। अरे यार राहुल, बटर कम लग रहा है, एक्स्ट्रा करवा लूं? एक्स्ट्रा करवा लूं? तकरीबन भाई 500 रुपए खर्च करके मेरा बटर चिकन आ गया। मेरे घर आई एक नन्ही परी। इनको लगता है असली रेसिपी किसी ने फॉरवर्ड नहीं करी व्हाट्सएप पे। मेरे ख्याल से कम तो आधे किलो की टिक्की एक तोड़ के डाल रखी होगी इसके अंदर। चलिए भाई ट्राई करते हैं दिल्ली का बेस्ट रेटेड बटर चिकन। ये बटर चिकन नहीं है भाई।
मौत की पहली सीढ़ी है हार्ट अटैक बटर चिकन। साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। मैं तेरे को एक साइंटिफिक फैक्ट बता रहा हूँ, ये बटर चिकन खा के ना इंसान की उम्र 70 साल हो सकती है लेकिन 90 साल से घट के। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। एंड ऑफ द स्टोरी बहुत ज्यादा जहरीला, बहुत ही ज्यादा मक्खन वाला बटर चिकन है। मतलब डेफिनेटली यू कैन टेस्ट सम स्पाइसेस, लेकिन ओवरऑल मुझसे पूछा जाए तो ये बेस्ट रेटेड नहीं है, ये बहुत ही हाइप प्लेस है फॉर बटर चिकन। बाकी दिन की एक और लोकेशन बची है, चलो वहां चलते हैं और वहां का पर्दाफाश करते हैं। गाइस अब समय आ गया आपको दिन की आखिरी डिश ट्राई कराने का, जो कि है पाव भाजी। हालांकि ये मुंबई की डिश है लेकिन दिल्ली का कृष्णा नगर का कुमार पाव भाजी बेचता है, मतलब ये बेस्ट रेटेड आउटलेट है फॉर इट्स पाव भाजी। आप मानो 3000 से ज्यादा लोगों ने इनको 4 स्टार से ज्यादा रेटिंग दे रखी है इनके गूगल पर बिकॉज ऑफ द टेस्ट ऑफ देयर पाव भाजी। और अगर आप भी मेरी तरह पाव भाभी कंट्रोल मतलब पाव भाजी लवर हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, जितने हम पढ़ते हैं लोगों का इनके बारे में क्या कहना है। आओ ऐसे राहुल तेरे को नहीं लगता हमारी एक्सपोज गैंग का कोई नाम होना चाहिए? लोगों से पूछे, चलो आप बताना हमारी एक्सपोज गैंग का क्या नाम होना चाहिए। देखो भाई एक्सपोज करते लेकिन हम लोग जो अच्छा है वो अच्छा बताते, जो बुरा है जो बुरा बताते। लेकिन अनमोल जी कह रहे हैं यहाँ के बारे में कि दिस प्लेस इज सो फेमस दैट एंटायर कृष्णा नगर रोड इज नोन एज कुमार पाव भाजी चौराहा। इतनी फेमस है ये दुकान की इस चौराहे को कुमार पाव भाजी चौराहे बोला जाता है, क्या बात है। अनमोल जी कह रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट पाव भाजी टिल डेट आई एवर हैड द मैजिकल पाउडर ऑफ स्पाइस, इट बीट्स द मुंबई पाव भाजी। अगला बंदा कह रहा है इट्स बीन 13 इयर्स। अच्छा ये 13 साल से खा रहा है और उसको 13 साल से इनका एक्सपीरियंस बहुत ही फैंटास्टिक लग रहा है, तो उससे मेरा क्या फायदा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग यहाँ के लिए गुस्सा भी व्यक्त कर रहे हैं। वर्स्ट पाव भाजी आई हैव एवर ईटन इन माय लाइफ, द प्लेस इज ओवर हाइप, इफ यू नो अबाउट द टेस्ट ऑफ पाव भाजी यू विल वेस्ट योर मनी हियर। तो भाई जो कश्ती है ना वो दोनों तरफ डोल रही है, लेकिन हमारी कश्ती किस तरफ झुकेगी चलिए पता लगाते हैं। शुरू करते हैं बिना किसी डेडिकेशन के। मेरी पाव भाजी आ गई 100 रुपीज की पाव भाजी, द मोस्ट पॉपुलर पाव भाजी। देखो बटर तो बढ़िया लग रहा है, तैर रहा है। ये पाव भाजी का टेस्ट बहुत ही ज्यादा एवरेज, बहुत ही ज्यादा मीडियोकर है। मैं सरप्राइज नहीं हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। मेरे को पता है अच्छी पाव भाजी कौन सी लगती है, जक्कास पाव भाजी की, जो स्पाइसी पाव भाजी होती है ना। बाकी पाव भाजी का टेस्ट थोड़ा सब्जेक्टिव है, कहीं को पसंद आती है कहीं को नहीं आती है, लेकिन मेरे हिसाब से दिस इज टोटली मीडियोकर। अगर आप भी मेरे ओपिनियन से सलाह रखते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, और आपको पसंद है तो मुझे गाली दे देना, अब जैसा भी आपका ओपिनियन। बाकी इस वीडियो से तो मेरे को ये सीख मिली है कि भाई गूगल की जो रेटिंग है ना वो किसी हद तक आपको धोखे में भी डाल सकती है, अगर आप बेस्ट के मामले में जाओ तो। वर्स्ट के मामले में तो सही निकली थी लेकिन बेस्ट के मामले में घपला हो रहा है, और मतलब बहुत बड़े स्केल पर घपला हो रहा है। बाकी आपका जो ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपके भी बालों के साथ समस्या आ रही है तो कपिवा का तुलसी हेयर सीरम ट्राई कर लेना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस, बाय बाय।